किचन में यूज़ होने वाले टूल्स और सामान को जितना ऑर्गेनाइज्ड और इजीली एक्सेसिबल रखेंगी ना, उतनी ही आपकी अपनी लाइफ इजी हो जाएगी। जब ज़रूरत की चीज़ ढूंढने में टाइम और दिमाग खर्च ना हो, वही काम आधे वक्त में हो जाता है। टाइम की बचत, पैसे की बचत और जगह की भी, स्पेशली जब आपके किचन में स्पेस लिमिटेड, रेंटेड या फिर नॉन मॉड्यूलर हो। तो आज ऐसे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्पफुल होंगे। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्लिंग रैप बहुत सारी हमारी फूड आइटम्स को पैक और स्टोर करने में बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होता है। इसी तरह ये एल्युमिनियम फॉइल है, उसके बाद ये हमारे केक बनाने के लिए जो पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर यूज़ होता है वो है। तो ये इस तरह के बॉक्सेस होते हैं कि एट टाइम्स इनको रखने में समझ नहीं आ रही होती कि कभी हम ड्रॉअर में, कैबिनेट में या फिर किसी बास्केट में अपने किचन में इस्तेमाल होने के लिए इन चीज़ों को। मैं तो वर्टिकल स्पेस यूज़ करके मैनेज किया हुआ है, जिसमें से एक तो नंबर वन जगह कम यूज़ होती है, नंबर टू ये इजीली अप्रोचेबल होते हैं, नंबर थ्री नज़रों के सामने होते हैं, फोर बॉक्सेस ख़राब नहीं होते, और फाइव जो इग्नोर हुई हुई जगह होती है वो भी हमारी यूज़ हो रही होती है। तो उसके लिए टिप नंबर वन शेयर कर रही हूँ मैं। आपने क्या करना है, इस तरह के ये हमारे पास जो बाइंडिंग क्लिप्स होते हैं, ये बच्चों की स्टेशनरी में बहुत यूज़ हो रहे होते हैं और इजीली स्टेशनरी की किसी भी शॉप से मिल जाते हैं और बहुत चीप रेट्स पर मिल जाते हैं, लेकिन ये एट टाइम्स किचन में बहुत यूज़फुल होते हैं। क्या मैं करती हूँ कि ये जिस तरह का पार्चमेंट पेपर का बॉक्स है, इसको मैं अंदर इसके ये टक इन कर देती हूँ, इसके जो लिड्स हैं, उसके बाद इसको मैं इसके अंदर रख देती हूँ, और उसके बाद फिर एक साइड के ऊपर ना मैं कोई भी एक क्लिप इस तरह का पकड़ के तो उसको मैं ग्रिप कर देती हूँ लाइक दिस। तो अब ये जो है इसको मैं अब कहीं पे भी जाके अपनी कैबिनेट को यूज़ करूँगी या कहीं और यूज़ करूँगी। इसी तरह ये एल्युमिनियम फॉइल या क्लिंग रैप के भी बॉक्सेस हैं, उनको भी मैंने इस तरह ही टक इन करके तो उनके ऊपर ये हुक्स लगा दिए। अब आप ये देख सकते हैं कि इनके तीनों को मैंने एक एक साइड पर इस तरह से ये क्लिप्स बाइंड करके लगा दिए हैं। अब मैंने क्या करना है, ये डबल साइडेड टेप इजीली मिलती है, इसका एक एक पीस मैंने दो दो इंच का काट लेना और इस तरह से उसकी ऑपोजिट साइड पर, जिस साइड पर मैंने वो हुक्स लगाई हैं, इस तरह से तीनों डिब्बों पर लगा देना है। और अब चलते हैं। ये मैं हुक्स जो हैं लगाई होती हैं कैबिनेट्स के, ड्रॉअर्स के, दरवाज़ों के ऊपर, तो ये बहुत काम देती है। ये स्पेस कोई भी यूज़ नहीं कर रहा होता, बहुत कम लोग होते हैं जो यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत काम की होती है और हमारी बहुत सारी ऐसी जो वर्टिकल चीज़ें हैं ना, इस तरह की वर्टिकल स्पेस यूज़ करने में बहुत ही काम देती हैं। तो इस तरह से इनको फिर मैं हैंग कर देती हूँ ये इनके हुक्स के अंदर। और ये हुक्स भी बहुत इजीली मिल जाती हैं, और ये पैकेट होता है 6 या 8 का या 10 का, तो इस तरह से उनके साथ ये बाइंडिंग टेप भी लगी होती है। अगर आपको लगे कि टेप की ग्रिप इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, एल्फी या फेविकॉल का एक ड्रॉप उसके ऊपर डाल देती हूँ, तो ये हुक्स जो है बड़े अच्छे से फिक्स हो जाती है और कभी भी ये रिमूव नहीं होती। तो ये कितना बेस्ट आइडिया, इस तरह से ही देखें, ये तीनों बॉक्सेज मैंने वर्टिकली हैंग कर लिए हैं और ये अब बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाले, और इस तरह से आसानी से मैं इसके अंदर से पिक भी कर लूंगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा और आप यूज़ करते हैं या नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप नंबर टू की तरफ। तो हमारी इसी तरह ग्रोसरीज़ के भी कई आइटम्स जो हैं इस तरह लेफ्ट ओवर्स हो जाती हैं, बच जाती हैं, जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे होते, तो उनके पैकेट्स एट टाइम्स खुल जाते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे आइडियाज़ शेयर कर चुकी हूँ। वन ऑफ देम इज़ कि यही आपने बाइंडिंग क्लिप लेना है और इस तरह से इनको फोल्ड कर लेना है और ऊपर से ये बाइंडिंग क्लिप लगा देना है। अब ये क्लिप लगा के आपने खाली इसको इसी तरह से ही नहीं किसी ड्रॉअर में रख देना, इसके लिए भी हम चलते हैं और चलकर हम अपनी वर्टिकल स्पेस यूज़ करते हैं। अब ये दूसरा कैबिनेट का डोर है जिसके ऊपर मैंने हुक लगाई हुई है, और इस तरह से इसको मैं हैंग कर दूँगी। और भी हुक्स लगकर और भी चीज़ें इस तरह हैंग हो सकती हैं। तो देखें, कोई भी जगह नहीं यूज़ हुई और हमारी ये चीज़ मैनेज हो गई ईजीली। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। उसके लिए भी यही बाइंडिंग क्लिप मैं यूज़ करने वाली हूँ। एट टाइम्स जब हम बर्तन धो रहे होते हैं तो हमारे ये स्पॉन्जेस जो होते हैं इनको हम या तो किसी प्लेट में रख देते हैं तो इस तरह ये गीले हो जाते हैं, तो जब तक ये गीले रहते हैं इनमें फिर ये बैक्टीरियाज वगैरह भी हो जाते हैं। उसके लिए भी ये है कि थोड़ी देर के लिए आप इस तरह बाइंडिंग क्लिप लगाकर किचन में कहीं पर भी जहाँ आपने हुक लगाई हुई है ना, उस तरह से इसको हैंग कर दें। इसका सारा पानी जो है वो ड्रिप हो जाएगा और ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा और इसमें किसी किस्म की कोई इन्फेक्शन नहीं आएगी।
टिप नंबर 4 है, जब हम दूध बॉयल करते हैं ना, ऊपर से इस तरह मलाई रिमूव कर देते हैं, तो अब हमारा बर्तन जो है वो बड़ा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं कि इस दूध को किसी छोटे बर्तन में निकाल रहे होते हैं। जब हम निकाल लेते हैं तो पतीली के नीचे इस तरह से उसकी बेस पर जो है ना दूध लगा होता है। इसको हम इस तरह से तो वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है दूध हमारे लिए एक मुकद्दस चीज़ बन जाता है, तो इस तरह से हम इसको वेस्ट नहीं करते। हम इसका यूज़ किस तरह से करते हैं, हम इसके अंदर आटा जो है वो थोड़ा सा छान लेते हैं। छानने के बाद अब इसमें थोड़ा सा जो है ना, जिस तरह से हम आटा नॉर्मली गूंथते हैं, आपने इस तरह ही करना है कि थोड़ा सा मेरी तरह ऑयल डाल लेना है आपने। और ऑयल डालने के बाद आप इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो नमक ऐड करने के बाद फिर आप इसको पानी डालकर अकॉर्डिंगली आप इसको गूंथ लें इस तरह से। तो अब इसको जब आप यूज़ करेंगे ना, आप यकीन करें, स्पेशली जब आप इसके पराठे बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छे सॉफ्ट और बड़े ही ज़बरदस्त पराठे बनेंगे। आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इस तरह दूध भी वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट टिप हमारी टिप नंबर 5 है। मैं ये चिकन बॉईल कर रही थी, तो ये चिकन के ब्रेस्ट पीसेज हैं जिनको मैं सैंडविचेस वगैरह या चाइनीज़ के लिए यूज़ कर रही होती हूँ। तो इस तरह से श्रेड करना चिकन को एट टाइम्स बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, तो उसके लिए दो फॉक्स मैं लेती हूँ इस तरह से। एक को ग्रिप कर लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड वाले को, और राइट साइड वाले को मूव करती रहती हूँ। तो इस तरह से एक एक रेशा जो है ना, वो इतना ईजीली अलग अलग हो जाता है कि हाथ से कर रहे हो एक तो हाथ ख़राब होते हैं, दूसरा आप ये जो है रेशा रेशा इस तरह से नहीं होता, लेकिन फॉक्स के ये जो आगे के ब्रिसल्स होते हैं ना, ये इसको बहुत वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से नीटली जो है वो बिल्कुल एक एक तार को अलग कर देते हैं। तो ये आइडिया मुझे बहुत बेस्ट लगता है, तो मेरे हाथ भी गंदे नहीं होते और हाइजीनिकली भी सही होता है कि आपके हाथ टच नहीं कर रहे होते, और ईजीली आपका ये चिकन जो है आप सैंडविच वगैरह बनाने के लिए रेडी है। तो ज़रूर ये टिप आप आज़माइएगा। टिप नंबर 6 है, हमारे घर में डिफरेंट टाइप की मेडिसिंस होती हैं, उनको एट टाइम्स संभालना समझ नहीं आ रहा होता, ये टैबलेट्स होती हैं, ये ट्यूब्स होती हैं, तो उसके लिए जो है आप घर में कोई भी ये ऑर्गेनाइज़र इस तरह से बनाकर रखें। ये मैंने बच्चों के ये कैंडीज़ का था बॉक्स, बड़ा स्टर्डी सा था, अच्छा सा था कार्डबोर्ड का, तो उसमें मैंने इस तरह से मैनेज करके रखे हुए कि ये टैबलेट्स को मैंने लपेटा हुआ है एक रबर बैंड में एक जगह पर, और उसके बाद ये ट्यूब्स हैं इनको भी एक रबर बैंड लगा के रखा हुआ है, पॉलीफ्लेक्स वगैरह पेटिए इन सबको एक जगह पर, ताकि ये इजीली नज़र आ जाए, फौरन मैं बॉक्स खोलूं और इस तरह से बाकी की भी फर्स्ट एड की चीज़ें जो है इस तरह रखी हुई हैं। तो इसी से रिलेटेड टिप नंबर 7 आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का बॉक्स नहीं है, तो ऐसे ये कॉस्मेटिक्स के बॉक्स ईजिली अवेलेबल होते हैं और बहुत चीप रेट्स पर भी मिल जाते हैं, और घर में तो ऑलमोस्ट होते ही हैं। इनको भी आप मेडिसिंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इनको ईजी टू कैरी होते हैं, कहीं ले जाना ईजी होता है। तो टिप नंबर 8 भी इसी से रिलेटेड है। अब असल बात यह है कि बाज़ार में बहुत अच्छे ये ऑर्गेनाइज़र्स आए हुए हैं, ये मुझे बहुत पसंद आए हैं। पहले मैंने आपको घर में अवेलेबल चीज़ों के बारे में बता दिया, उसके बाद ये बहुत चीप रेट्स पर आते हैं बाज़ार में। तो ये कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं दो ना, इसके ऊपर ये डे और नाइट लिखा होता है। तो ये वैसे तो 3 कंपार्टमेंट्स वाले भी आते हैं कि अगर आपको 3 टाइम सुबह दोपहर शाम की डोज बनानी है, तो आप क्या करें कि आप रैपर्स के अंदर से इस तरह से निकाल कर, आपकी जो डोज है ना किसी को भी देनी है, आप उसको निकाल कर बस इसके अंदर इसकी डिब्बी के अंदर डाल के इसको बंद कर दें। तो ये बिल्कुल इस तरह से गिरते भी नहीं हैं और ईजी टू कैरी होती है, और आराम से किसी बुज़ुर्ग को या कोई ऐसा बंदा है जिसको अपनी मेडिसिन एट टाइम ढूंढना नहीं समझ में आ रहा होता, तो वो ईजीली आराम से सुबह और शाम की डोज को निकालता है और इस तरह से यूज़ कर लेता है। तो हम हैंडबैग में भी डालकर कहीं पे भी कैरी करके लेके जा सकते हैं। तो ये तीनों आइडियाज़ मैं यूज़ करती हूँ मेडिसिंस के लिए, आई होप आप भी इसमें से कोई ना कोई यूज़ करते होंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये था मेरा आज का कंटेंट, और ये मेरे यूज़फुल हैक्स थे जो मैं डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ। मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पसंद आया। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलें। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।